A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. So let us start our editorial of 13th of February without any further delay. The title of this particular editorial is Regulation Light. देखो, regulation का जो meaning होता है, ordinance, यानी legal order जिसको आप बोल सकते हैं, light, lightweight हो गया आपका, and on self-regulation. Self-regulation का मतलब हो गया self-monitor करना किसी चीज को, code आप कह सकते हैं, जो एक मैनरिज्म को जो फॉलो कर रहा होता है, जो एक रूल एंड रेगुलेशन सेट किया है उसको फॉलो करना होता है. ओटीटी का मतलब हो गया ओवर द टॉप, एंड चैनल्स जो कि ये जो ओटीटी चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी बात की जा रही है. तो हमारे जो आईबी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, उसने क्या किया है, जितने भी ये ओटीटी चैनल्स हैं जो कि वेब सीरीज या अदर कॉन्टेंट इंटरनेट के थ्रू हमें दिखाते हैं, तो उनको कुछ डायरेक्टिव्स या उनको कुछ गाइडलाइंस दी है कि आप अपने कंटेंट को ऑप्रेसिव या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं रख सकते हैं. तो इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए आज का हम इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर एडिटोरियल. देखिए, इंडियाज इंटरनेट बेस्ड, इंडिया का जो इंटरनेट बेस्ड जो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, स्ट्रीमिंग का मतलब है टेलीकास्ट करना, सर्विस यानी जो इंडिया के अंदर जो ओटीटी जो चैनल्स है जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रीमिंग देते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हैव ऑपरेशनलाइज्ड अ कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फ्रॉम फरवरी 10. देखिए, मतलब ऑपरेशनलाइज्ड का मीनिंग जो हो गया पुट इनटू व्यू, पुट इनटू यूज, मतलब इनको क्या मिला है, इनको 10th ऑफ फेब से उन्होंने जो आईबी ने, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, उनको कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस दी हैं और वो उनको यूज करना उनको स्टार्ट कर दिया है. मतलब अपने कंटेंट को अपलोड करने से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म को, उनको उस कंटेंट को वॉच करना होगा, वो ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो हमारा आईबी है, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, उसने उनको गाइडलाइंस भेजे हैं इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को. सून आफ्टर The IB Ministry announced, मतलब जब हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया दैट इट हैड प्रिपेयर, उसने बना लिया था अ सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड डायरेक्टिव्स, दिशा निर्देश, गाइडलाइंस का रूल एंड रेगुलेशन हो गया फॉर द इंडस्ट्री, जितने भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उन सभी के लिए जो आईबी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस उनको दिए हैं जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होंगे. द इन एक्जोरेबल, इन एक्जोरेबल का मीनिंग हो गया आपका रूथलेस, बहुत ज्यादा कड़ा. ग्रोथ ऑफ ओटीटी चैनल्स हैज इन्फ्यूज्ड, इन्फ्यूज्ड का मतलब हो गया इनकल्केटेड, पैदा होना, क्रिएटिव टैलेंट इनटू फिल्म मेकिंग. देखें, कोविड के दौर की वजह से बहुत ज्यादा क्या हुआ है, वैसे ओटीटी चैनल्स बहुत ज्यादा प्रमोट हुए हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या देखने को मिला, इनएक्जोरेबल मतलब बहुत ज्यादा रूथलेस ग्रोथ. रूथलेस ग्रोथ का मतलब यहाँ पे हो गया बहुत ज्यादा ह्यूज ग्रोथ दिखाई देने को मिली इन ओटीटी चैनल्स में. एंड इन्फ्यूज का मतलब इनकल्केटेड, और इसने क्या किया है, जो क्रिएटिव जो टैलेंट है उसको पैदा किया फिल्म मेकिंग के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वेब सीरीज के अंदर बहुत नए नए जो टैलेंट आए हैं उनका टैलेंट भी क्या है, देखने को मिला है. तो इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नया जो टैलेंट आया उसको भी क्या किया, इनकल्केट किया, पैदा किया है. एडिट, एडिट का मतलब क्या, असिस्टेड बाय द एब्सेंस ऑफ ओवर बेरिंग सेंसर्स. देखें, ओवर बेरिंग का जो मीनिंग हो गया डोमिनेटिंग, मतलब डोमिनेटिंग का मतलब आप कह सकते हो डोमिनेटिंग सेंसर. जनरली क्या होता है, अगर आपको कोई मूवी वो करनी होता है उसको सेंसरशिप देना होता है, जो हमारे सेंसरशिप में बैठते हैं जो, वो उसको देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ कमी है या कुछ ऐसा है तो उसको डिलीट कर देते हैं, कट कर देते हैं. लेकिन ऑब्वियस अगर मैं बात करता हूँ इन ओटीटी चैनल्स के अंदर, तो ये सेंसरशिप का जो रूल है यहाँ पर वो लागू नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी एब्सेंस की वजह से क्या हुआ है, एंड वेस्टेड इंटरेस्ट. वेस्टेड का जो मीनिंग होता है इनहेरेंट होता है, इनहेरेंट निहित होना. ठीक है, तो अब ये जो, क्योंकि इसमें जो पर्टिकुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो वेब सीरीज आती है, तो कहीं ना कहीं वहां पर सेंसरशिप का कोई ज्यादा फंडा नहीं होता है, वहां पर सेंसरशिप का कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता, जिसकी वजह से जो क्रिएटिव टैलेंट है फिल्म मेकिंग के अंदर वो आ रहे हैं. एंड ऑल्दो, हालांकि इट माइट बी आर्ग्यूड, मतलब इस बात पर आर्ग्यू हो सकता है दैट इट हैज अ स्मॉल माइनॉरिटी परस्यूइंग क्रास कमर्शियलिज्म. देखें, क्रास का जो मीनिंग हो गया अनरिफाइंड, कमर्शियलिज्म का मीनिंग हो गया कॉमर्स, मतलब सेल एंड परचेस रिलेटेड. तो अगर हम कंपेयर करें इसका
जो ओटीटी चैनल से जो कॉमर्स होता है, जो बिजनेस होता है, कंपेयर करें हम फिल्म इंडस्ट्री से, तो वो कहीं ना कहीं इस बात पे आर्ग्यू हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा अनरिफाइंड है कंपेयर टू, अगर उससे बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री के साथ, तो उसका जो जो कॉमर्स है, कॉमर्शलिज्म है, कहीं ना कहीं पैसे का जो सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज है, वो कहीं ना कहीं उसके मुताबिक कम है। कोविड बॉइड, बॉइड का मीनिंग होता है कीप अफ्लॉट, मतलब बनाए रखना। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब इनकम कह सकते हैं फ्रॉम होम बाउंड व्यूअर्स, कि कोविड के दौर में सभी क्या थे, लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया था तो सभी घर पे थे, तो उसने क्या किया, लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, तो लोगों ने बहुत सारी वेब सीरीज को देखा फ्रॉम होम बाउंड, जो घर पे रुके हुए थे, एंड व्यूअर देखने वाले। फॉर ओटीटी वेंचर्स, स्ट्रीमिंग फिल्म्स, वेंचर्स का मतलब है इम्पैक्ट। ओके, नॉर्मली क्या होता है, जैसे जो लोग लॉकडाउन के अंदर फंसे हुए थे, घरों पे थे, तो उन्होंने क्या किया, इन ऑर्डर टू पास दे टाइम, तो उन्होंने वेब सीरीज देखना स्टार्ट किया, इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को यूज करना स्टार्ट किया, फिल्म्स, रियलिटी शोज, सीरीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज, ये सारी की सारी चीजें ओटीटी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की गई, और लोगों ने उस कोविड के दौर के अंदर जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो ये सारी चीजों को उन्होंने किया गया, स्ट्रीमिंग की वो उन्होंने वॉच किया। एंड विद दिस सिनेमा क्लोज, क्योंकि उस टाइम सिनेमा थे वो क्लोज थे, तो सारे के सारे जो ऑलमोस्ट पॉपुलेशन थी वो ओटीटी चैनल के ऊपर डिपेंड थी, इन ऑर्डर टू एंटरटेन, एंटरटेन करने के लिए। इवन ब्रोक द इंडस्ट्री टैबू अगेंस्ट ऑनलाइन फर्स्ट फिल्म, हालांकि जो इंडस्ट्री के अंदर पहले ऑनलाइन फिल्म्स नहीं आती थी, लेकिन ये भी जो एक एक रूल सेट किया गया था कि इंडस्ट्री के अंदर ऑनलाइन फिल्म नहीं आएगी, तो वो भी टैबू था। मतलब देखो पहले क्या था, टैबू क्या था, ऑनलाइन फिल्म्स नहीं आएंगी, लेकिन वो रूल भी क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि इस कोविड के दौर के अंदर जब लॉकडाउन चला था, तो बॉलीवुड की जिस कुछ मूवीज थी जो क्या है, वो भी ऑनलाइन टेलीकास्ट की गई। येट द अर्जेंसी, अर्जेंसी की अगर मैं बात करता हूँ, बींग अर्जेंट ऑफ दिस कॉर्ड, अब ये जो मतलब ये जो कॉर्ड है, मतलब ये जो मैनरिज्म है, ये क्यों इसकी रिक्वायर्ड फील हुआ, क्यों इसको फॉलो करने की जरूरत है, अराइजेस, पैदा होता है नॉट फ्रॉम एनी चैलेंज टू लॉ एंड ऑर्डर टू मॉरलिटी पोज्ड बाय द फिल्म्स, मतलब ऐसा, मतलब इसकी जो इम्पोर्टेंस है, अराइजेस क्यों पैदा, मतलब पैदा होती है, नहीं नॉट फॉर एनी चैलेंज, मतलब ऐसा नहीं कोई चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर को कोई चैलेंज है, और मॉरलिटी को कोई नैतिक नैतिकता को कोई चैलेंज है पोस्ट, मतलब दिखाना बाय द फिल्म्स, यानी ये जो फिल्म्स हैं मतलब क्या करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिखाते हैं, मॉरलिटी को दिखाते हैं, तो इससे कोई चैलेंज नहीं है। बट द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब होता है अ चैलेंज, अ चैलेंज ऑफ द पुलिस एंड कोर्ट केस इज दैट फिल्म मेकर एंड द चैनल्स आर नाउ हैविंग टू रन, लेकिन जिस तरीके से इन पर्टिकुलर ओटीटी चैनल्स के ऊपर या वेब सीरीज में क्या दिखाया जाता है, पुलिस एंड कोर्ट का जो केसेस दिखाए जाते हैं वो क्या है, आर नाउ हैविंग टू रन, वो एक चैलेंज है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नैतिकता को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को और पुलिस और कोर्ट के केसेस को मूवीज में दिखाया जाता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेब सीरीज के अंदर बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा मतलब क्या किया जाता है, इन लॉ, अगर बात करते हैं हम, ये पुलिस एंड कोर्ट के केसेस को बहुत ज्यादा गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट आर ऑल्सो लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना, टैसिट, टैसिट का मतलब साइलेंट सपोर्ट, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी एक साइलेंट सपोर्ट दे रही है टू द व्यू, एंड दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन मे बी बिकमिंग टू इन्फ्लुएंस टू बी लेफ्ट फ्री, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो गवर्नमेंट है वो, क्योंकि सेंसरशिप इस पे नहीं थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपना एक साइलेंट क्या दे रही है, सपोर्ट दे रही है। दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन किस नाम पर दे रही है वैसे, वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन को, मतलब क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अनअटेंडेड या अनरिकग्नाइज जो टैलेंट है, वो क्रिएटिव टैलेंट भी निकल कर आता है, मे बी बिकमिंग टू इन्फ्लुएंशियल, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो रहे हैं, नया टैलेंट आ रहा है, टू बी लेफ्ट फ्री, लेकिन क्या है, उसको फ्री नहीं किया जा सकता है, मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि ओटीटी चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन आ रहा है, क्रिएटिव जो टैलेंट है वो आ रहा है, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टू बी लेफ्ट फ्री, कि जो कंटेंट ओटीटी चैनल के ऊपर वो प्रोवाइड किया जा रहा है, कि उसको मॉनिटर ना किया जाए, किसी भी तरह का कंटेंट वो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करे, तो इस चीज को वॉचफुल तरीके से देखा जाना चाहिए। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम, देखते हैं देखिए हैव ऑपरेशनलाइज का ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, सर्विसेज आपका प्लूरल, तो हमने हैव यूज कर लिया, और यहाँ पे V3 हमने यूज कर लिया।
has infused, देखो फिर आपने यूज किया है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, हैज प्लस वी थ्री यूज किया, ग्रोथ के लिए हमने क्या यूज कर लिया, हैज यूज कर लिया, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया आपने, माइट बी आर्ग्यूड ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, माइट आप लेस पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यूज कर लेते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो आपने यहाँ पे वी वन प्लस आई एन जी यूज कर लिया जो कि आपका जेरंड है, और लैंडिंग, लैंडिंग यहाँ पर देखो गवर्नमेंट प्लूरल तो आर यूज कर लिया, यहाँ पर लैंडिंग वी वन प्लस आई एन जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉलो कर लिया हमने, ये वी टू हो गया पास्ट इंडेफिनाइट आपका, जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके मेन क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, जो ग्रीन कलर के अंदर है जो आपका वो डिपेंडेंट क्लॉज या सबोर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं हम इनको, और जो पर्पल में है वो आपके फ्रेजेस हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द एफ आई आर मतलब देखिए एफ आई आर फर्स्ट हैंड जो होती है इंफॉर्मेशन होती है यूपी अगेंस्ट द एमेजोन प्राइम जोन वीडियो सीरीज। अब मतलब यूपी के अंदर अमेजोन प्राइम वीडियो ने एक सीरीज को क्या किया था, टेलीकास्ट किया था, एक सीरीज को उन्होंने रिलीज किया था जिसका नाम तांडव, और उस सीरीज को लेकर यूपी के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई इनवॉकिंग। इनवॉकिंग का मतलब हो गया रेस कॉल फॉर्थ लीगल प्रोविजन ऑन साइबर क्राइम। अब ऑब्वियसली बात है रेजिंग लीगल प्रोविजन साइबर क्राइम, तो इस मूवी के अंदर क्या दिखाया गया था, इस मूवी के अंदर जो साइबर क्राइम का साइबर टेररिज्म को लेकर दिखाया गया था इस मूवी के अंदर, तो उसके अगेंस्ट क्या किया गया यूपी के अंदर इस सीरीज को लेकर क्या किया गया, इस सीरीज को लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई। ऑब्सेनिटी, ऑब्सेनिटी का जो मीनिंग होता है इनडिसेंसी, इनडिसेंसी प्रमोटिंग सोशल एनिमिटी एंड डिफाइलिंग प्लेसेस ऑफ द वर्शिप। अब देखो इसके अंदर अगर बात करते हैं प्रमोटिंग सोशल एनिमिटी, एनिमिटी का मतलब हो गया दुश्मनी, तो इस मूवी के अंदर मतलब जो आप बात कर रहे हैं तांडव के अंदर, इसके अंदर क्या किया गया जो सोशल एनिमिटी कहीं ना कहीं दुश्मनी, सामाजिक जो दुश्मनी है उसको दिखाया गया है, एंड डिफाइलिंग प्लेसेस, डिफाइल का मतलब हो गया डिफेम करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप कहीं ना कहीं जो वर्शिप के जो प्लेसेस है उनको क्या दिखाया गया है अपवित्र दिखाया गया, डिफाइल करके दिखाया गया है, तो ये जो है इसी बातों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर यूपी के अंदर दर्ज कराई गई अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वेब सीरीज तांडव के खिलाफ। ऑन द ग्राउंड अगर बात करें, ऑन द ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए, सारी चीजों को कंक्लूड करके रियलिटी की बात की जाए, दैट इट्स पोर्ट्रेल ऑफ गॉड वॉज डेरोगेटरी, मतलब इस मूवी के अंदर जो इस वेब सीरीज के अंदर पोर्ट्रेल दिखाया गया, पोर्ट्रेल का मतलब एग्जीबिशन दिखाना, ऑफ गॉड वॉज डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मीनिंग होता है ऑफेंसिव, बहुत ही भद्दे तरीके से उसको दिखाया गया है, एंड अ प्ली, प्ली का होता है रिक्वेस्ट इन अ एमपी, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर भी एक प्ली दायर हुई है ऑन द सेम सीरीज सीकिंग कोर्ट डायरेक्शन टू ब्रिंग ओटीटी चैनल अंडर सेंसरशिप लॉज, क्योंकि उसके अंदर तांडव के अंदर बहुत ज्यादा ऑफेंसिव चीजें दिखाई गई हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी बात को, इसी वेब सीरीज को लेकर मतलब क्या किया गया, एक प्ली दायर की गई है, किया उसके उसके अंदर क्या बोला गया है कि जितने भी ये ओटीटी चैनल्स हैं इनको सेंसरशिप के अंडर लेके आओ, मतलब क्योंकि पहले अभी तक क्या है इनके ऊपर कोई सेंसरशिप नहीं है, वो किसी भी तरह के कॉन्टेंट का प्ले कर देते हैं, चाहे वो ऑफेंसिव हो चाहे वो डेरोगेटरी हो, तो किसी तरह के भी कॉन्टेंट को क्या कर सकते हैं वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अब मतलब क्या है तांडव को लेकर, इस वेब सीरीज को लेकर यूपी के अंदर पहले एक एफआईआर दर्ज हुई, फिर मतलब मध्य प्रदेश के अंदर एक प्ली दायर हुई कि मतलब ये जो ओटीटी चैनल्स हैं इनको सेंसरशिप के अंडर लेकर आओ, इंडिकेट दैट ग्रोइंग ऑप्रेसिव इन्वायरमेंट, और किस चीज का हवाला दिया गया कि इन वेब सीरीज की वजह से जो बढ़ रहा है ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव का मतलब हो गया कहीं ना कहीं डेस्पोटिक मतलब डोमिनेटिंग इन्वायरमेंट, कहीं ना कहीं इन वेब सीरीज की वजह से क्या है जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा डेस्पोटिक हो रहा है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है, इट इज टाइम, अब ये समय आ गया है द सेंटर टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट द डिस्प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज। अब गवर्नमेंट के लिए टाइम आ गया है कि उसको स्टेप लेना होगा, क्या स्टेप लेना होगा, फर्म स्टेप लेना होगा इन डिस्प्ले, डिस्प्लेस का मतलब ये जो वेब सीरीज दिखाई जाती है, मैन्युफैक्चर्ड का मतलब बनाना हो गया, आउटरेज का मतलब हो गया, आउटरेज हो गया असॉल्ट यानी वॉयलेंस, कहीं ना कहीं ये जो मूवीज के अंदर बना हुआ जो असॉल्ट दिखाया जाता है, आउटरेज दिखाया जाता है, वॉयलेंस दिखाया जाता है, इनके खिलाफ जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर जो गवर्नमेंट है उसको क्या लेना होगा, एक फर्म स्टैंड लेना होगा, एंड लेट न्यूअर चैनल्स ऑफ क्रिएटिविटी फ्लॉरिश।
मतलब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर ऑप्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, डेरोगेटरी रिमार्क्स देते हैं, या डिफेम करते हैं, गॉड को डिफेम करते हैं, या फिर सोशल एनमिटी को बढ़ाते हैं, दुश्मनी को बढ़ाते हैं, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको क्या किया जाना चाहिए? उनको तो बैन कर देना चाहिए, या उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्म स्टैंड लेना चाहिए, उनके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि लेट न्यूअर चैनल्स, लेकिन जो नए चैनल्स हैं जो क्रिएटिव काम करते हैं, उनको फ्लोरिश करते रहना चाहिए, यानी उनको ब्लॉसम करना चाहिए, उनको तो डेवलप करना चाहिए। द कलेक्टिव इनिशिएटिव, इनिशिएटिव आप कह सकते हो कोई भी चीज को आप जब बिगनिंग करते स्टार्ट करते हो, द कलेक्टिव इनिशिएटिव स्टेप बोल सकते हो आप यहाँ पे, स्टेप राइट ऑफ ओटीटी सर्विस अंडर एजिस ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखिए, कलेक्टिव स्टेप ऑफ ओटीटी सर्विस अंडर, अंडर द एजिस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है सपोर्टेड और सपोर्टेड बाय या प्रोटेक्टेड बाय। अब ये जो कलेक्टिव इनिशिएटिव है ओटीटी सर्विस का, ये किसे किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है? हमारा जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन है वो इंडिया, वो इसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करता है, यानी वो इसको गाइड, वो इसको सपोर्ट करता है। विच प्लेसेस एम्फसाइज ऑन अबाइडिंग, और ये जो कलेक्टिव मतलब ये जो मोबाइल एसोसिएशन है वो क्या करता है, प्लेस करता है एम्फसाइज स्ट्रेस देना ऑन अबाइडिंग, अबाइडिंग का मतलब है फॉलो करना बाय द आईपीसी लॉज एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रन राइट्स, कॉपीराइट्स, एज एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, पैरेंटल कंट्रोल। तो इस मतलब ये जो मोबाइल इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन है वो इस बात को इम्फोसाइज करता है कि जो अबाइडिंग फॉलो करना, कि जो हमारे आईपीसी इंडियन पिनल कोड लॉज हैं, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स कॉपीराइट्स हैं, जो हमारा कंटेंट है वो एज एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एज के हिसाब से होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन मिलता है। पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, पेरेंट मतलब क्या करे, पेरेंट मतलब बच्चा, अगर उसको अगर पेरेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, बच्चा उस कंटेंट को देखे तो वो पेरेंट की परमिशन से ही देख पाए, पेरेंट का कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जो मोबाइल जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन है, इनको मतलब ये सारी चीजों को इंश्योर करना चाहिए वाइल अप होल्डिंग, अप होल्डिंग का मतलब है मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन फ्री स्पीच शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। मतलब ये सारी चीजें, मतलब जो आईपीसी लॉज है उसको मेंटेन होना चाहिए, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स कॉपीराइट्स को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, एज एप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए आपका, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, ये सारी चीजें मतलब इंश्योर करनी होती है वाइल मेंटेनिंग अपहोल्डिंग, वाइल मेंटेनिंग मेंटेन करते हुए साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फ्री स्पीच, जिससे कि मतलब देखें ये चीजें तो हमें मेंटेन करनी है, लेकिन जो एक हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है कि हम जो चीज जो हम बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, वो भी नहीं हम पर होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को हमें तो फॉलो करना ही है, लेकिन जो हमारा जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, फ्री यू नो फ्री स्पीच का जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा जो प्रोविजन है वो भी हेम्पर नहीं होना चाहिए, शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, मतलब शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क, और उनको एक अवसर मिलना चाहिए काम करने का। मींस जो भी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आ रहे हैं तो इनको काम करने का मौका तो मिलना चाहिए, और उनको फ्रीडम मतलब राइट टू फ्री स्पीच तो है उनको, वो बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका जो कंटेंट है, कहीं ना कहीं वो जो भी चीजें मतलब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टेलीकास्ट करते हैं वो एज एप्रोप्रिएट होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल उसका होना चाहिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स कॉपीराइट है उसको ध्यान में रख के किया जाना चाहिए, हमारे जो आईपीसी लॉज है उसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सच ए वॉलेंट्री कॉड, वॉलेंट्री मतलब विलिंगली आप कह सकते हो, कॉड मैनरिज्म इज कंसिस्टेंट, इस तरह का जो मैनरिज्म है मतलब इस तरह का जो मैनर है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है विद द रिकमेंडेशन ऑफ आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर एक्सपर्ट कमेटी ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन चेयर्स बाय श्याम बंगाल इन 2016। देखिए मतलब इस तरह की जो रिकमेंडेशन दी गई थी कि मतलब ये जो देखो राइट टू स्पीच आपके पास है, लेकिन साथ के साथ हमें अपने कंटेंट के अंदर, जब हम कंटेंट को टेलीकास्ट कर रहे हैं कहीं पे कहीं पब्लिश कर रहे हैं रिलीज कर रहे हैं, तो हमें अपनी आईपीसी लॉज को ध्यान में रखना चाहिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन राइट्स को ध्यान में रखना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए, और साथ के साथ इन जो नए जो टैलेंट आ रहे हैं, जो जो अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं, तो उनको क्या है अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने की, राइट ये होना चाहिए। लेकिन क्या है, हमें इन सारी चीजों को, हमें इन चीजों को फॉलो भी करना चाहिए।
सच वॉलेंट्री कॉर्ड इज कंसिस्टेंट, इस तरह का जो जो वॉलेंट्री कॉर्ड है, इस तरह का जो मैनर है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए विद द रिकमेंडेशन, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो एक कमेटी बैठी थी जिनको श्याम जी ने क्या किया था, उसको चेयर किया था, उसके अंदर ये सारी चीजें बोली गई थी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हमने ये इस पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी किया है, राइट। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ऑन द ग्राउंड, देखिए ऑन द ग्राउंड का जो मीनिंग होता है, जब आप मतलब बात करते हो रियलिटी के अंदर, मतलब जैसे अगर हम रियल स्थिति की बात करें या रियलिटी की बात करें, तो ये बात हो गया आपका। यहाँ पे देखो इट्स पोर्ट्रेल, पोर्ट्रेल आपका नाउन हो गया, तो इट्स आपका हो गया, इट्स हो गया आपका पजेसिव ऑब्जेक्टिव हो गया। इट इज टाइम, देखिए ये जब कभी आपका कोई सेंटेंस इट इज टाइम के साथ स्टार्ट होता है, तो बाद में आने वाला जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस वी टू में यूज होता है। तो यहाँ पे देखो सेंटर टू, ये बिल्कुल सही है, राइट। साथ के साथ अगर देखें विच प्लेसेस, आप देखो विच क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। कलेक्टिव, देखो कलेक्टिव इनिशिएटिव है, तो ये इसके लिए आपको, क्योंकि कलेक्टिव इनिशिएटिव है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए विच आ गया, फिर यहाँ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर ली। ऑन आपका एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपने वी वन प्लस आई जी यानी जेरेड यूज कर लिया। वाइल भी आपका एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद आपने वी वन प्लस आई जी जेरेड यूज कर लिया। सच अ वॉलेंट्री, सच अ के बाद आपको, सच अ के बाद देखो वॉलेंट्री कॉर्ड, क्योंकि अ आया तो यहाँ पे कॉर्ड आपने क्या किया, सिंगुलर यूज किया है, सच अ। इस ओके, जो ग्रीन, जो आपको ब्लू कलर के अंदर दिखाई पड़ रही है, सारे के सारे आपके मेन मेन क्लॉज हो गए, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, या प्रिंसिपल क्लॉज हम बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपका सारा का सारा डिपेंडेंट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और पर्पल कलर में आपका फ्रेजेस है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। द पैनल, पैनल कमेटी बोल सकते हो। द पैनल अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है मेंटेन करना, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन। और जब ये कमेटी, जिस पैनल ने ये डिसाइड किया, श्याम जी ने जो उसको चेयर किया था, तो उसने इस बात को मेंटेन किया कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ओके, एंड द फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन, लिविंग व्यूइंग टू डिसीजन टू ऑडियंस, कि मतलब ये सारा का सारा डिसीजन हम किसके ऊपर छोड़ दें, ऑडियंस के ऊपर छोड़ दें कि ऑडियंस को देखना नहीं देखना है। ओके, मोर एक्यूरेटली क्लासिफाइंग फिल्म्स बाय एज, व्यूअर एज, एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द वे व्यूइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड। देखें ध्यान से देखेंगे हम इसको, देखो द पैनल अपहोल्ड, पैनल ने मतलब मेंटेन किया क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन, लिविंग ऑनेस्ट व्यूइंग डिसीजन टू ऑडियंस, यानी ये जो व्यूइंग का जो डिसीजन है, मतलब वो इसको देखेंगे या नहीं देखेंगे, वो किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मोर एक्यूरेटली क्लासिफाइंग फिल्म्स बाय द व्यूअर एज, मतलब उसको क्या किया जाना चाहिए, एज ग्रुप के हिसाब से उसको व्यू किया जाना चाहिए। एंड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, और साथ के साथ मतलब जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए इन द वे रिव्यूइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड। और जब मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए जब सेंसरशिप के लिए, या उस मतलब ये जो पर्टिकुलर जो ओटीटी चैनल्स हैं इनको जब रिव्यू किया जाता है। देखिए ट्रांसपेरेंसी इन द वे रिव्यूइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो जो बॉडीज होती हैं, जो ओटीटी चैनल के जो कंटेंट उसको रिव्यू करता है, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। द आइडिया दैट विल फिल्म्स मस्ट बी प्री सेंसर्ड का मतलब हो गया टू डिटरमाइन आर्बिट्रेटरी इन एडवांस व्हाट मे और व्हाट मे नॉट बी परमिटेड, यानी इस बात को पहले ही डिसाइड कर लेना कि इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर क्या, इस पर्टिकुलर फिल्म के अंदर क्या आपको दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। एंड आर्बिट्रेरी कट्स, आर्बिट्रेरी का मतलब हो गया सेल्फ विल्ड अपनी मर्जी से, सेल्फ विल्ड कट्स मेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनीज। तो कहीं ना कहीं मतलब द आइडिया दैट फिल्म मस्ट बी प्री सेंसर्ड एंड आर्बिट्रेरी कट मेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनीज मोस्टली आउट ऑफ द प्रिजुडियस, प्रिजुडियस का मतलब हो गया बायस। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर ये गवर्नमेंट, मतलब अगर ये जो आइडिया है कि जो फिल्म्स आती हैं उनको प्री सेंसर किया जाना चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई भी कट रिक्वायर्ड है तो उसको किया जाना चाहिए बाय द गवर्नमेंट एंड अपॉइंटेड नॉमिनीज, मतलब वो जो लोग इसके लिए नॉमिनेट किए जाएंगे मोस्टली आउट ऑफ प्रिजुडियस एस, और मतलब ये क्या है, बायस्ड नहीं है। मतलब अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे पार्शियलिटी की जा रही है, ये बायस्ड नहीं है,
आउट ऑफ, देखो आउट मोस्टली आउट ऑफ प्रिजुडियस का मतलब हो गया आउट ऑफ बाइसनेस, तो कहीं ना कहीं ये बाइस नहीं है, पार्शियलिटी नहीं है, इट इज क्लियरली एंटीक्वेटेड का मतलब हो गया, एंटीक्वेटेड का मतलब हो गया वेरी ओल्ड, एंड रिपगनेंट का मीनिंग हो गया अनफेवरेबल टू लिबरल सोसाइटीज, टू लिबरल सोसाइटीज। देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमने स्टडी ये किया है कि जो आइडिया है फिल्म्स का, यानी उसको प्री सेंसर किया जाना चाहिए, एंड आर्बिट्री कट मेड बाय द गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनीज मोस्टली आउट ऑफ प्रिजुडियस इज एंटीक्वेटेड, वो बहुत ज्यादा क्या है एंटीक्वेटेड है, बहुत ज्यादा वेरी ओल्ड है, एंड रेपिगनेंट मतलब अनफेवरेबल है टू द लिबरल सोसाइटीज, टू द लिबरल सोसाइटीज। क्लियरली अ प्लेथोरा ऑफ लॉज, प्लेथोरा का मीनिंग हो गया एक्सेसिव, of laws are available to assess का मतलब हो गया evaluate करना based on the complaints, मतलब हमारे पास बहुत सारे laws हैं जिससे हम इन complaints को assess कर सकते हैं, whether they have been an egregious violation, egregious का मतलब हो गया powerful, violation का मतलब हो गया उल्लंघन करना, of law and determination ought to be made by the unteachable bodies representing to wide spectrum of civil society, देखिए whether there has been a egregious violation, अगर मतलब बहुत ज्यादा ही क्या होता है पावरफुल क्या होता है violation होता है of law, law का मतलब कहीं कानून का होता है, this determination ought to be made, तो मतलब ये मतलब determination इस बात को दृढ़ निश्चय लेना होगा by the impeachable, impeachable का meaning हो गया blameless, जिन पे blame ना किया जा सके bodies, group of person representing a wide spectrum, spectrum का मतलब range of civil society, तो मतलब क्या किया जाना चाहिए, मतलब अगर हमें ये लगता है कि मतलब हमारे जो ला है उसको बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा है वॉयलेट किया जा रहा है, तो कुछ लोगों का एक क्या किया जाना चाहिए एक बॉडी बनाना चाहिए जो कि ब्लेमलेस है, यानी बहुत ज्यादा कह सकते हैं निष्पक्ष है, बिल्कुल ही ऑनेस्ट है, तो उन लोगों का क्या वाइड रेंज में अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनका एक क्या किया जाना बॉडी बनाना चाहिए, और इस चीज को क्या किया जाना चाहिए डिटरमाइन किया जाना चाहिए। पुलिस अप्रोच, पुलिस का मतलब हो गया कहीं ना कहीं डोमिनेटेड अप्रोच टू फिल्म्स, और अगर हम इस तरह की जो अगर हम इस तरह की अप्रोच रखते हैं इन फिल्म्स एंड मीडिया के लिए कैन ओनली ग्रो, ये बढ़ा सकता है मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का मतलब है एक ही तरह की एग्रीकल्चर करना, प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब है मिस इन्फॉर्मेशन, और अगर हम पुलिस अप्रोच को रखते हैं तो ये जो इस तरह का जो एक अप्रोच होगा वो सिर्फ क्या बढ़ाएगा मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या देखना चाहिए ये जो पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर अगर कोई ऐसा कॉन्टेंट है, ऐसा कॉन्टेंट है जो रियली में मतलब अनअवॉइडेबल है और सॉरी जो मतलब फेवरेबल नहीं है सोसाइटी के हिसाब से, तो उनको क्या किया जाना चाहिए उनको सेंसर किया जाना चाहिए, उनको देखा जाना चाहिए, और इन जो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपना कंटेंट रिलीज करने से पहले वो सारे के सारे कंटेंट को अच्छे से देख लेना चाहिए जिससे कि उससे सोसाइटी के अंदर कोई गलत मैसेज ना जाए। तो ये आज का एडिटोरियल था, बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था आज का। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कॉन्सेप्ट, हम ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। अपहोल्ड ये आपका V2 हो गया आपका, साथ के साथ अगर बात कर लेते हैं आर कॉन्स्टिट्यूटेड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट बी प्री सेंसर ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, मॉडल के साथ में बी प्लस V3 आपने यूज कर लिया, टू एसेस ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, टू प्लस V1 एंड टू बी मेड ये फिर आपका इन्फिनेटिव पैसिव हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, कैन आपका एक मॉडल वर्ब हो गया, पॉलिस्ड अप्रोच, अप्रोच आपका नाउन हो गया, पॉलिस्ड आपका V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल हो गया जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो ये आपका एडिटोरियल था, चलो इसके कुछ बात कर लेते हैं कॉमन एरर्स की। देखिए इंडियाज इंटरनेट बेस्ड ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विस हैज ऑपरेशनलाइज्ड अ कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फ्रॉम फेब्रुअरी 10। अब इसको ध्यान से देखें तो इसमें एरर है आपका, देखिए सर्विसेज तो प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो आपने हैज यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए हैव आना चाहिए। Government are also lending tacit support to the view to create expression may be becoming too influential to be leave. देखें, to be leave. ये तो आपका infinitive case हो गया, passive structure follow करिए, to be leave नहीं आएगा, to be left आना चाहिए, to be left आना चाहिए, leave नहीं होगा बल्कि left आना चाहिए। It is time the center took take a firm stand against displays of manufactured outrage and let never newer channels of creativity flourish. देखें जब आपका sentence it is time के साथ start होता है, ये आपका एक phrase है, बाद में आपका जो
स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट ये फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे सेंटर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे टेक नहीं बल्कि टू करना चाहिए। द पैनल अपहेल्ड, अपहेल्ड का मतलब था मेंटेन करना क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड फुल ऑनरशिप ऑफ विजुअल प्रोडक्शन लिविंग व्यूइंग डिसीजन ऑन ऑडियंस। देखो लिविंग डिसीजन ऑन नहीं होता बल्कि क्या होता है, लिविंग डिसीजन टू आएगा, टू ऑडियंस आएगा, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ कॉमन एरर्स थे। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब कुछ इसके हम वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं। देखो इनएक्सोरेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है रूथलेस, मतलब बहुत ही ज्यादा निठुर होना या बहुत ज्यादा क्या होना, बहुत ज्यादा कड़ा होना। ऑब्सेनिटी का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका इनडिसेंसी। इनडिसेंसी का मतलब हो गया कहीं ना कहीं आपका मतलब जो डिसेंट नहीं है। एनिमिटी का जो मीनिंग हो गया आपका दुश्मनी होता है, हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी होता है इसका। डेरोगेटरी का जो मीनिंग होता है ऑफेंसिव, क्या होता है ऑफेंसिव, डेरोगेटरी का मतलब होता है ऑफेंसिव। फिर बात कर लेते हैं आर्बिट्रेटरी। देखो आर्बिट्रेटरी का जो मीनिंग होता है सेल्फ सेल्फ विल्ड, मतलब अपनी मर्जी से। प्रीजुडाइस का मीनिंग जो होता है बायस होता है, बायस मतलब पार्शियलिटी जिसको आप बोलते हैं। रिपग्नेंट का जो मीनिंग होता है अनफेवरेबल, एंड फ्लेदुरा का मीनिंग जो होता है एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में होना किसी चीज का, नंबर में होना, राइट। तो ये कुछ रिविजन पार्ट था आपका। चलो आप कुछ idioms and phrases और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड देख लेते हैं हम। Vehicles for carrying sick or wounded people, मतलब जो इंजर लोगों को ले जाने वाला होता है उसको हम एम्बुलेंस बोलते हैं, राइट। एंड want to sleep when somebody is unable to sleep for a long time, मतलब जब आप सोना चाहते हो लेकिन सो नहीं पाते हो तो उसको हम बोलते हैं इंसोमिनिया। वर्क फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा काम जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलता है, जो आप अपनी मर्जी से करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑनरेरी, अपनी मर्जी से जो करते हैं अपनी सर्विस देने के लिए करते हैं। तो ये आपके वन सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गए। कुछ idioms देख लेते हैं। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का जो मीनिंग होता है नॉट लीगली वैलिड, कोई चीज वैलिड नहीं है। नाउ इलेक्शन हैज बीन नल एंड वॉइड, मतलब ये इलेक्शन है वो लीगली वैलिड नहीं है। टर्न ए डेफ ईयर, रिफ्यूज और लिसन, मतलब इग्नोर करना, किसी को सुनने से मना कर देना। शी टर्न अ डेफ ईयर टू माई रिक्वेस्ट, यानी उसने मेरी रिक्वेस्ट को सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया। द एडवेंट ऑफ का जो मीनिंग होता है द अराइवल ऑफ, द लाइफ ऑफ इंडिया विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द एडवेंट ऑफ द बुलेट ट्रेन, यानी बाय द अराइवल ऑफ द बुलेट ट्रेन, बाय द एडवेंट ऑफ बुलेट ट्रेन। तो ये हो गए आपके कुछ idioms। So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll come with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.